हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे कदीमा और छीमी का भुजिया। कदीमा को लाल कद्दू, भोपला और कहीं कहीं सीताफल भी कहते हैं, और छिमी यानी हरा मटर। मिथिला में हम हरे मटर को छिमी कहते हैं। और ये भुजिया खासकर जाड़े के मौसम में हम बनाते थे, क्योंकि पहले सिर्फ जाड़े के मौसम में ही मिथिला में टमाटर और ये छिमी मटर, हरा मटर उपजता था। लेकिन अब हर समय सालों भर आपको टमाटर और मटर भी मिलता है, तो आप इसे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खासकर टमाटर और गुड़ डालने के कारण हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद लिए हुए ये बनकर मसालेदार तैयार होता है। तो इसे दोपहर के खाने में आप खा सकते हैं, या रोटी पूरी पराठे, आप अपने सुविधा अनुसार जब भी चाहे इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या सामग्री हमें लेना है। कदीमा, कदीमा हम 400 ग्राम लिए हैं, जिसे छीलकर पतला पतला हम काट लिए हैं। और कदीमा ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही पका हुआ हो। कदीमा जितना पका हुआ होगा, आपका भुजिया कदीमे का बन करके उतना ही स्वादिष्ट तैयार होगा। छिमी यानी हरा मटर, हरा मटर आप जो ताज़ी हरी मटर मिलती है मार्केट में उससे ही छील करके इसमें उपयोग करें। कभी भी इसमें सूखे हुए हरे मटर को भिंगो कर नहीं डालें, नहीं तो इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा और भुजिए का स्वाद खराब हो जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना है। बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़े साइज की प्याज को हमें बारीक काट लेना है। कटा हुआ टमाटर, एक बड़े साइज की टमाटर बारीक कटा हुआ। अदरक लहसुन कुटी हुई, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और 6 से 7 कली लहसुन की मोटी कुटी हुई। एक छोटा चम्मच, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर होममेड है। ये कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं मालूम हो तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। मिर्च पाउडर, गुड़ और फोरन के लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च 5 फोरन। 5 फोरन कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो है हमारे चैनल पर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और हींग, हल्दी, नमक, तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। तो आइए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। गैस हम ऑन कर लिए हैं और तेज आंच पर ही हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब हम यहाँ तेल गर्म करेंगे। तेल हम सरसों का लिए हैं, क्योंकि मिथिला में सरसों का तेल ही खाने के लिए उपयोग होता है और इसके कारण ही वहाँ के खाने का स्वाद और रंग दोनों ही बहुत अलग रहता है। तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च 5 फोरन, ये इसे हल्का सा इसे हम लाल होने देंगे। और अब हम डालेंगे हींग। हींग को हल्का सा हमें पका लेना है। फोरन हमारा पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। कटा हुआ प्याज डाल करके इसे चलाते हुए ही हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज हमारा भून चुका है तो अब हम यहाँ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है हमें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा ब्राउन हो चुका है तो अब हम यहाँ इसमें कटी हुई टमाटर डाल करके इसे हल्का गलने तक भुनेंगे।
और अब इसमें हम कटा हुआ लाल कद्दू डाल करके भुनेंगे। करीब 2 मिनट तक तेज आंच पर ही भुनने के बाद अब हम इसमें हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो, क्योंकि हम फोरन में भी लाल मिर्च डाले हुए हैं तो इस हिसाब से ध्यान रखते हुए यहाँ हल्का सा लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। और आँच अभी हम तेज़ ही रखेंगे, करीब करीब 4 से 5 मिनट इसे हमें भूनना है। और अब हम यहाँ आँच कम कर लेंगे और अब हम इसमें बाकी के मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे भुनेंगे। और आँच यहाँ अब हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम आँच पर ही इसे चलाते हुए अभी हम भुनेंगे करीब 5 से 7 मिनट तक। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है तो यहाँ पर अब हम इसमें गुड़ और पानी 1.5 कप पानी डाल करके इसे हम आँच को बिल्कुल ही धीमा करके ढक कर पकाएंगे। इसे अब हमें अच्छे से गलने तक पकाना है। करीब 7 से 8 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर इसे देखे हैं तो कदीमा काफ़ी गल चुका है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेना है, लेकिन अभी इसमें और भी पानी है जिसे हमें कि सुखाना है, तो इसे फिर से हम ढक देंगे और आँच को अभी हम कम ही रखेंगे ताकि कदीमा अच्छे से गल जाए। करीब 6 से 7 मिनट बाद फिर से हम ढक्कन हटा कर देखे हैं तो कदीमा काफ़ी गल चुका है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम यहाँ इसमें डालेंगे छिमी हरा मटर और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें फिर से ढक करके पकाना है। और हर 2 से 3 मिनट बाद इसे हम ढक्कन हटाकर देखेंगे और चला देंगे ताकि जले नहीं हमारा भुजिया और इसका पानी भी सूख जाए और मटर भी पक जाए। धीमी आंच पर करीब करीब 5 से 7 मिनट पकाने के बाद मटर भी पक चुका है और भुजिए में से जो पानी था एक्स्ट्रा वो भी जल चुका है। तो इस तरह से हमारा भुजिया बिल्कुल पककर तैयार है और कढ़ाई में तेल भी छूटने लगा है। तो अब हम यहाँ चूल्हा बंद कर लेंगे, गैस को हम ऑफ कर लेंगे और ढक कर इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे परोसेंगे। तो तैयार है हमारा कदीमा और छिमी यानी हरे मटर का भुजिया। ये देखने में जितना ही खूबसूरत है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। मसालेदार और खट्टा मीठा स्वाद इसका ज़रूर पसंद आएगा आपको। इसे आप अभी जाड़े के मौसम में खिचड़ी या चावल की रोटी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसे आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें और जानें मिथिला के पारंपरिक स्वाद को। इसी तरह के नए नए मिथिला के पारंपरिक स्वाद को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल गुलदस्ता से। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए स्वाद के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।